जोड़ रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो हम हाँ लोग को पूरे देश का हाल बताएंगे और सजेशंस देंगे कि आगे कैसे करना है जन लोकपाल को मजबूत करने के लिए। तो हाँ इसीलिए मैम हम चाह रहे हैं कि आपका भी थोड़ा सा हम लोग को ब्लेसिंग्स मिले। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मैं सीधा अपना विचार बताऊं? जी, आप विचार प्लीज। अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ऑडिटोरियम में बैठे मैम, सब प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन में लगा हुआ है और आपकी रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड हो रही है और सबको सुनाई पड़ रही है ऑडिटोरियम में। अच्छा, आप में से साथियों ने अभी आमिर खान का प्रोग्राम देखा है? जी, उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियरली मैसेज है उनका भी, जो मेडिकल करप्शन, जो सोशल करप्शन हो रही है, उसका उन्होंने एक ही हल दिया, वही हल हमें लागू है, वही एब्सोल्युटली वही सोल्यूशन हमें लागू है। वो सोल्यूशन ये है, जैसे डॉक्टर्स नहीं बदलेंगे अगर पेशेंट अलर्ट हो जाएगा, इसी प्रकार ये पॉलिटिशियन जो करप्ट पॉलिटिशियन है ये नहीं बदलेगा, हमको बदलना होगा। मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों बुजदिल हैं, हम अकेले क्यों हैं, हम मिलके क्यों नहीं काम करते, हमारे में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य है कि हमारा देश करप्शन से बचे, और उसके लिए लक्ष्य ये होगा कि हम मिलके काम करें। अगर कोई किसी से घूस मांगता है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्राइवेट आदमी है, उसको पता होना चाहिए कि मैं किसको फोन करूं तो यहाँ 20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और पूछेंगे, अरे भाई साहब आप क्यों मांग रहे हैं जी, किस बात के लिए मांग रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये जो करप्ट व्यक्ति है, करप्ट ऑफिसर है, या ब्यूरोक्रेट है, या पॉलिटिशियन है, या डॉक्टर है, या कोई और आदमी है जो रोक जमाना चाहता है, वो एक आदमी से बात नहीं कर रहा, वो अकेला है। हम तो एक नहीं, 101 हैं, और एक मोबाइल फोन हमारे पास हो अपने नेटवर्क का, अपने नंबर का, कि अगर मुझे कोई अन्याय करता है, मेरे मेरे साथ अकेला मुझे समझ के मुझे वो परेशान करता है, तो मैं अब 101 की ताकत हूं, मैं एक नहीं हूं। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, तब तक हम एक 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 करके हारते जाएंगे। आज ये मूवमेंट हो चुकी है, अन्ना की मूवमेंट अब 1 करोड़ बननी होगी। जब तक हम करोड़ नहीं दिखेंगे, ये करप्ट लोग इकट्ठे हो चुके हैं। आज करप्ट पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है वो जुड़ चुका है आपस में, और वो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी है, अक्रॉस, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी में ज्यादा या किसी में कम उनकी बारी आ रही है। अगर सही लोकपाल आ गया, वो इसलिए आज आज जीत रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में हैं, और हम उनको इलेक्शन से पहले हटा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है। इसलिए अब 25 जुलाई को जब हम टीम अन्ना के कई लोग या अन्ना के और या एंटी करप्शन वॉलंटियर अनशन पे शुरू हो, तो 1 करोड़ लोग नजर आए, करोड़। जब तक हम करोड़ नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम नहीं हिला सकते इनको, तब तक हम हरा नहीं सकते। और हमारी मेहनत की कमाई कुछ लोगों को अमीर कर रही है, और वही पैसा से वापस वो धन, काले धन को बना के वो इलेक्शन में वापस जीत के आएंगे, वो 2014 में फिर जीत के आएंगे, अगर हमने एक कलेक्टिव आवाज उनके लिए नहीं उठाई। तो अब हमको एक एक आदमी को फैसला करना है कि आगे का जीवन कैसे निर्वाह करना है भारतीय होते हुए। इसका मतलब 2014 तक हम गांव गांव में जाए, गांव गांव में जाए, एज स्टूडेंट जाए, एज यूथ जाए, और लोगों को बताएं कि घूस का असर क्या और घूस का नुकसान क्या हो रहा है, और उनको भी चर्चामंडल बना के आए, चर्चा मंडल बना के उनमें एक SMS नंबर हो, एक कॉल नंबर हो, कि तुमसे कोई घूस मांगे तो इस नंबर को फोन करोगे, फिर देखोगे ये देश बदलेगा। मैम, हाँ मैम, हेलो जी, हाँ मैम, हमारे पास एक IAC वॉलंटियर है मुंबई से, तो इस तफाक से हम लोग के बीच में ही है, तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती है, प्लीज मैम जरा उसका क्वेश्चन सुनिए प्लीज। भाई सौम्या, हेलो। हाँ बताओ। हाँ किरण जी, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो वो इंडिविजुअल लड़ाइयाँ करप्शन के खिलाफ सालों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, उनको जोड़ना जरूरी है, उनका साथ, अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आए या उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए तो उनका साथ हमें एज ग्रुप, एज ISC देना चाहिए कि नहीं? ISC कोई टापू नहीं है, ISC कोई कुआं नहीं है, ISC कोई आइलैंड नहीं है, ISC देश की मूवमेंट है। इसमें हमको हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए जो इसके लिए, इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। इसमें धर्म, जाति,
उम्र प्रांत नहीं देखना है, आपने भारतीयता देखनी है और कॉज देखना है, उसके लिए हमको जुड़ना है। यही तो मार खा रहे हैं हम लोग, हम इसलिए मार खा रहे हैं। आज अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, कोई भी हो, आरएसएस हो या पीएसएस हो, उससे मुझे क्या मतलब। हमारे देश के लिए करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज है, वो सबकी आवाज है। तो आप आवाज को बुलंद करने के लिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। एक एक आपसे और लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, एक नाम बता दीजिए। मैं राकेश शुक्ल उन्मुक्त बोल रहा हूँ। हेलो, बोलो। जी हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि जैसे भ्रष्ट राजनेता एकत्रित हो गए हैं, वैसे ही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियां हैं, चाहे बाबा रामदेव जी हैं, चाहे अन्ना हजारे जी हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हैं, तो इन लोगों, ये लोग अपने ईमानदार भक्तों को एकजुट करके कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं खड़ा करते हैं आप लोग मिल करके, ताकि हम लोग भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ लड़ सकें। तो सारे लोग अपने मतलब ईमानदार भक्तों को जोड़ करके एक राजनीतिक दल बनाए और उन नेताओं के खिलाफ संघर्ष किया जाए। राजनीति है, राजनीति बांटती है, मूवमेंट जोड़ती है। इस वक्त बंटवाने का समय नहीं है, इस वक्त कुर्सियों के बंटवारे का समय नहीं है, इस वक्त मूवमेंट की समय है। इस वक्त समय की पुकार कुछ और है, इस वक्त समय की पुकार है राजनीतिकरण कर सफाई करना, मतलब इन करंट। और उसके लिए आपके पास समय नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का तोड़ने लगेंगे। अभी आपके पास ना संगठन है, ना आपके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज है, आप लाइन में लग जाएंगे, वही डोनेशन मांगते, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का माहौल आपने बदला नहीं है, वोटर अभी आपका एजुकेटेड नहीं है, उसके लिए समय लगेगा। हम भी वैसे ही कीचड़ में गिल गंदे होने लग जाएंगे, अभी हमको कीचड़ को साफ करना है आंदोलन के रूप में। तो इसलिए गुमराह मत हो, इस वक्त अपने इग्नोरेंट, एक इग्नोरेंट वोटर को अवेयर करें। इस वक्त हमारा वोटर बहुत इग्नोरेंट है, शराब से वोट देता है, 500 रुपए से वोट देता है, वो गरीबी से वोट देता है, वो जब तक उसका वोट देने का बदला, और वो भी उसकी मांग हो कि मैं अब क्रिमिनल को वोट नहीं दूंगा, मैं क्रिमिनल को वोट नहीं दूंगा, और अगर दोनों जगह क्रिमिनल खड़े होंगे तो मैं अभी जब तक राइट टू रिजेक्ट नहीं आता, मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा 49 रूल में, मैं डरूंगा नहीं कि मैं अपना वोट दिखा के बता रहा हूं कि मैं तुम्हें वोट नहीं दे रहा, मैं डरूंगा नहीं। आपको उसका डर निकालना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ 1.5 साल बचा है। थैंक यू मैम। मेरा नाम वैभव है, यहाँ कुछ वॉलंटियर्स हैं मैम हमारे साथ में, जिनका सवाल ये है कि जो अगस्त में मूवमेंट लास्ट हुआ था, उसके बाद बहुत सारा एक स्लो पीरियड रहा और मीडिया की वजह से भी कुछ नेगेटिविटी का माहौल बना, तो अब जो अन्ना जी ने अलाउ अनशन अनाउंस किया है 25 जुलाई से, इसमें हम तैयारी के लिए हमें वॉलंटियर टास्क या कुछ आपसे हमें कुछ गाइडेंस मिले, हम कैसे इसकी वृहद स्तर पर तैयारी करें और लोगों को जोड़ने में कैसे जुटें। आप वो मैसेज अब लेकर गांव-गांव में अपने ट्रिप लगाओ, जहां जहां संगठन बैठते हैं उनमें अपना काम भी करो, पढ़ाई भी करो, क्योंकि आपने रोटी रोजी भी कमानी है, आपने पढ़ना भी है, लेकिन जो जो समय मिले लगते जाओ और ये अवेयरनेस डालते जाओ कि ये सिर्फ अन्ना की मूवमेंट नहीं है, ये सारे देश की भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट है। आपको अगर हम में से कोई लोग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मूवमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये चीज नहीं रिजेक्ट कर सकते कि करप्शन चालू रहे, आप उसके खिलाफ आवाज लगाओ। हम कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही, इसीलिए मैंने कहा है जिस वक्त अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे तो वो भी कहेंगे तुम भी एक पार्टी हो, तुमको तो हमारा वोट चाहिए, तुम भी हमें कुछ पैसा दो तो वोट देंगे। इस वक्त आप उनसे कुछ बिना मांगे उनको आप समझाने जा रहे हो सर, इसलिए आप अपना समय लगाते रहो। 26 और 25 जुलाई के लिए आप अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दो, उस वक्त फैसला करेंगे कि दिल्ली आना है कि यूपी में आपने वहीं पर ही अपना आंदोलन दिखाना है। संजय सिंह आपकी इस चीज को ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ, सब जिन्हें मिलके इस वक्त औहदे मत देखना, अखबार में किसकी फोटो आती वो मत देखना, इस वक्त कॉज पर ध्यान देना कि मुझे ये मेरी देशभक्ति है, मैंने देशभक्ति निभानी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, वेलकम।